अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कि काफ़ी मैंने एक अपना प्रोजेक्ट अपलोड किया अपने चैनल में, तो काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं कि यार आपने किस तरह किया। तो इसमें हम मैंने जो इफेक्ट्स यूज़ करें, जो प्लगइन मैंने C4D में यूज़ करें, वो आप लोग के साथ मैं शेयर करने जाऊँगा। और जो लोग इस प्लगइन को हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि यार हमें ये चाहिए, और ये उन्हीं को मिलेगा जो पूरी वीडियो देखेगा और लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा और आगे शेयर करेगा। प्लगइन पूरी वीडियो आप देखें तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये मैं किस तरह आप इस प्लगइन को हासिल कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में काफ़ी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट सीखने को मिलेंगी ये मैंने किस तरह अचीव किया था। तो आइए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा, जो मैंने ग्लोब बनाया हुआ था उसमें जो एक्सट्रूजन आई हुई थी ये मैंने किस तरह करी हुई थी, और एक्सट्रूजन काफ़ी बेहतर हुई हुई थी, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। और रही बात इस ट्यूटोरियल की, तो ट्यूटोरियल में ऐसा रहेगा कि आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को इसमें जो बता रहा हूँ ये डिटेल नहीं है, ये एक ओवरव्यू है इस प्रोजेक्ट के बारे में, कि मैं इसमें चेक करना चाह रहा हूँ कि आप लोग को कितना पसंद आ रहा है ये, और इस ग्लोब के बारे में कि मैंने प्लगइन किस तरह यूज़ करा और क्या इफेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, और इसके बारे में डिटेल मैं आपको अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा। सो गाइस, हम आ गए अपने ट्यूटोरियल पे, और जैसे कि मैंने आपको ट्यूटोरियल में बताया था कि काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि यार आप इस पर थोड़ी सी नज़र डालें इस ट्यूटोरियल पे। तो देखिए, मैंने बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा, बाकी इसकी डिटेल मैं आपको आगे ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो देखिए, ये आ गया हूँ अब अपने सीन पे। ये लोग इसको बोल रहे थे कि यार इस पर आप ट्यूटोरियल बनाएं, ठीक है। तो इसकी मैं डिटेल मैं आपको बता दूंगा, ट्यूटोरियल तो नहीं होगा, ओवरव्यू होगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ ही जाएगा कि मैंने बेसिकली क्या करा है। तो आने से पहले, इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले, प्लीज़ जो इस चैनल पे नए हैं वो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखें, इस तरह कमेंट आए हुए थे मेरे पास। तो आइए चलते हैं अपने C4D पे। तो आ गए, ये हमारे पास सीन है, ठीक है। अब ये हमारे पास सीन आ चुका है, अब आएंगे हम विंडो पे अपने, और ये सीन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको इस सीन के बारे में बताऊंगा कि मैंने ये किस तरह क्रिएट करा। एक ओवरव्यू है कि आप लोगों को समझ तो आ ही जाएगा कि ये किस तरह क्रिएट करा गया है। तो बाकी रही बात, अगर लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग जो हैं मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं और डिटेल में बताऊँगा। इस फेड लेने के बाद मैं इसको स्केल करा मैंने, और स्केल करने के बाद ये मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आई हुई हैं, ठीक है। और मैं आऊँगा अपने प्लगइन पे ग्रीबलर, और इस पर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओहो, बेहतरीन। और आप लोग परेशान होंगे कि यार ये कैसा प्लगइन है भाई, जो ये था ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो मैं मतलब कि मेजॉरिटी ऐसी चीज़ होती है कि मेरे मतलब कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, और हर इंसान का एक अपना स्टाइल होता है काम करने का, तो मैं काफ़ी ये चीज़ें यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया, और मैं आऊँगा अपने स्टॉक ग्रिपल्स पे, और वो जो ऑब्जेक्ट्स जो थे वो उसको हटा के, और मैं इसकी रैंडमनेस थोड़ी सी सेट कर दूँगा। तो उसको मैं थोड़ा सा 41, ठीक है, और बेवल मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया। ओहो, बहुत ज़बरदस्त। तो ये बहुत अच्छा मेरे पास आ चुका है बिस्फेयर, और बिस्फेयर आने के बाद मैं आऊँगा अपने स्फेयर पे कोऑर्डिनेट्स, और उसकी रोटेशन एच पे मैं इसको की लगा देता हूँ, ठीक है। की लगाई मैंने, और इसको मैं 360 कर देता हूँ। काफ़ी तेज़ घूम रहा है, तो अब ऐसा है कि इसको मैं कम कर लेता हूँ 90 डिग्री पे, और इसकी को सिलेक्ट करके इंटरपोलेशन में आके लीनियर कर दिया कि मेरे पास एनिमेशन लूप हो जाए। तो आया मैं इस पर, बेहतरीन एनिमेशन आ रही मेरे पास, ठीक है भाई। ये सारा काम ग्रीबलर का है, और जो लोग चाहते हैं ये प्लगइन हासिल करना, तो उसके लिए आप लोग को पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और पूरी वीडियो देखने के बाद आप प्लीज़ आपने कमेंट करना है, मेंशन करना है कि यार मैंने पूरी वीडियो देख ली और आपने मुझे कमेंट करना है, और मैं आपने ईमेल एड्रेस शेयर करना है मेरे साथ, और आप लोग को मैं अपनी तरफ से दूँगा। तो ये आप लोग के लिए सरप्राइज़ है, और ये भी बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड होता है, तो इसकी वीडियो की एंड में, तो इस वीडियो के साथ जमे रहिएगा। तो अब ये है कि देखिए, मैं इधर आके मैंने ट्यूब लिया, और ट्यूब लेने के बाद मैं फ्रंट पर आया, और ट्यूब लेने के बाद मैं इसकी स्लाइसिंग चेक करा, ठीक है। 180 हुआ, इसको मैं करता हूँ 107,
ठीक है, 107 करने के बाद एरे और ज़ीरो, ठीक है। कॉपीज में से 5 कर लेता हूँ, उसको 87, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा शेप आ गया, अब इसे खूबसूरती आना शुरू हो गई है। ये उन लोगों के लिए जो भाई चाहते हैं, पूछ रहे थे कि अरे बेसिक से बताएं, तो ये बेसिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ मैंने किस तरह किया। और भाई इस तरह सीक्रेट्स होते हैं कोई शेयर नहीं करता, ये इस चैनल में आप लोग को मैं हर चीज़ शेयर करता जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ जिस पर अभी काम तो बहुत ज़बरदस्त है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बहुत जल्द। तो उसको मैंने ग्रुप कर लिया, ठीक है। और ग्रुप पे आने के बाद मैं एक कॉपी ले लेता हूँ और स्केल कर देता हूँ इसको, इधर रोटेशन में ऑफसेट कर लेता हूँ। ऑफसेट करने के बाद ठीक है, मैंने इसकी एक डिस लिया मैंने और इसको मैंने स्केल कर दिया, ठीक है। और इनर रेडियस मैंने कम कर दिया, यहाँ पर आ गया, और उसको मैंने एक्यूरेट पोजीशन पर रख दिया। एक्यूरेट पोजीशन है, रोटेशन सेगमेंट्स मैंने बढ़ा दिए क्योंकि इस स्पीसीज को मुझे यूज़ करना है। डिस में आया और अपने प्लगइन्स ग्रीबलर, ग्रीबलर को मैंने इसके अंदर इसका चाइल्ड बना दिया और स्टॉक ग्रीबल्स में आके इसको अनचेक कर दिया, ठीक है। ये बेस पे आया मैं और मैंने इसको स्केल कर दिया। अच्छा देखें, स्केलिंग के थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो मैंने एडिटेबल, मेरा सबसे इस प्लगइन की अच्छी बात यह है कि एडिटेबल नहीं होता ये ऑब्जेक्ट, आप रियल टाइम आप इसमें इफेक्ट कर सकते हैं ये चीज़ें, आपको बाबर नहीं करना पड़ेगा कैर एडिटेबल करना है, फिर कोई मसला आता है फिर आप नए ऑब्जेक्ट लें, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। अब मैं इसको एडिटेबल करूँगा, मैं फाइनल कर लिया कि मुझे यही शेप्स चाहिए। तो इस आने के बाद मैं लाइफ सिलेक्शन लूँगा और मैं इनके फेसेस सेलेक्ट करूँगा और रैंडम सेलेक्ट करके इनको डिलीट कर दूँगा कि थोड़ी फील मेरे पास अच्छी आ जाए। और इनको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। ओहो बेहतरीन हो गया ये, तो ये मेरे पास आ गया है फिलहाल और बहुत अच्छा शेप आ गया। इसको मैंने ग्रुप ऑब्जेक्ट कर दिया और ग्रुप ऑब्जेक्ट करने के बाद स्केल और करके मैंने इसकी कॉपी ले ली और उसकी रोटेशन ऑफसेट कर दी। देखिए जो मैंने ऑलमोस्ट वही काम कर रहा हूँ जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में किया हुआ था, जो मैंने यूट्यूब पे शेयर किया हुआ आप लोगों के साथ, यही टेक्निक है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा रैंडम इन अच्छा दोनों में फ़र्क आ जाए इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास फ़िलहाल ये ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास, बेहतरीन हो गया। तो ये मेरे पास बहुत ज़बरदस्त सा शेप आया हुआ है। न्यू मटेरियल लिया, न्यू मटेरियल पे डबल क्लिक करूँगा मैं और इस पर स्फीयर पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और एक सिंपल सा शेडर बना लेते हैं। और वही मटेरियल मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और कॉपी लेके मैंने इसको इसका कलर दूसरा डाल दिया, ठीक है। ये वही फील आप लोग देख रहे हैं। अच्छा मैंने इसमें कोई रिफ्लेक्शन ये कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सिर्फ सिंपल सा मटेरियल है और इस पर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये था मेरे पास सिर्फ सिंपल सा ये इफ़ेक्ट, जो कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यार ये आपने किस तरह करा, और अब मैं इसको रैंडमली एनिमेट कर दूँगा और वही करूँगा जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि लीनियर रखना है की को, कि लूप अच्छा हो जाता है, इसमें जर्क नहीं आता।
और ये मेरे पास सिंपल सी ज़बरदस्त सी एनिमेशन आ गई है। सो गाइस अब हम करेंगे अपना रिफ्लेक्शन पे काम। आपको एक सिंपल सा बता दूँ मैं रिफ्लेक्शन किस तरह बनाता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में। तो लुमिनेंस में आया मैं इसको ब्लैक कर दूँगा, ब्लैक करने के बाद रिफ्लेक्टेंस में आके और रिफ्लेक्शन की स्ट्रेंथ थी रखी और ऑल्ट प्रेस करके इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो देखिए ये मेरे पास फील आ, ये क्या हुआ है। अच्छा तो उसके लिए मैंने लेना है प्लेनर, ठीक है, एक रिफ्लेक्टर में बनाऊंगा। देखें इतनी ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन आएगी इसमें, ठीक है। और लुमिनेंस में आया, वाइट आ गया मेरे पास और अब चेक करते हैं, ये देखें बेहतरीन हो गया। कंपोजिट टैग लगाऊंगा इसमें मैं, और कंपोजिट टैग लगाने के बाद मैं इसको अनचेक करूंगा और अब हम इसका रेंडर चेक करते हैं कि कितनी अच्छी रिफ्लेक्शन आ रही है इसमें। तो देखें ये सिंपल सी मेरी टेक्निक है जो मैं रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ करता हूँ और ये एक बोनस था आप लोग के लिए। मैंने बस इस ट्यूटोरियल में आपको ये चीज़ बता दी है और आगे के ट्यूटोरियल में आपको और डिटेल में इसके बारे में बताता रहूँगा। तो होप यू गाइस लाइक इट दिस ट्यूटोरियल एंड इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा।